अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर ओन प्लेसेस। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट मेंटल मैकेनिज्म, इट्स यूजेस एंड इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिफाइन द टॉपिक मेंटल मैकेनिज्म। व्हाट इज़ मेंटल मैकेनिज्म? मेंटल मैकेनिज्म is the psychological function collectively that helps individual meet environmental demands, protect the ego, satisfy inner needs and elevate internal and external conflicts and tensions. मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है? मेंटल मैकेनिज्म एक ऐसा साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो एक इंसान को हेल्प करता है ताकि जो हमारी रोज़मर्रा की नीड्स है, रोज़मर्रा के डिमांड्स है एनवायरमेंटल, या वी कैन से दैट इट हेल्प्स टू मीट आर टू प्रोटेक्ट द ईगो और वॉट एवर नीड्स वी हैव, इधर इट मे बी इनर और आउटर नीड्स, दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस, इट सेटिस्फाइज बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द नीड्स। सो दिस इज़ नोन एज मेंटल मैकेनिज्म। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फंक्शन। मेंटल मैकेनिज्म इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट द ईगो सो दैट इट शुड नॉट, for example, if we all know that I have already taught you in the earlier chapter, earlier lecture, that ego is a very devastating thing. अगर ego में इंसान कुछ भी कर सकता है ego में आकर, लेकिन जो ये mental mechanism है ये help करता है इंसान को अपना ego control में रखने के लिए। बहुत सारे mechanisms हैं जैसे repression है, denial है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिग्रेशन है एंड सब्लिमेशन है। दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज़म्स एंड देयर आर देयर डिस्क्रिप्शंस ऑल्सो। सपोज हम रिप्रेशन की बात करेंगे, फर्स्ट मैकेनिज़म इज़ रिप्रेशन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन रिप्रेशन? इट इज़ एन अनकॉन्शियस मैकेनिज़म employed by the ego to keep disturbing or threatening thoughts from becoming conscious. अब repression का मतलब क्या है? These are the two things. First is repression and depression. Depression is not a mechanism. That is the outcome of the mechanism. Suppose कोई इंसान जो है वो, मैंने इससे पहले भी आपको मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया कि जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो वो पेशेंट, कोई भी बीमारी उसको हो सकती है, स्पेशली डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिप्रेशन की। रिप्रेशन एक मैकेनिज़म है, मेंटल मैकेनिज़म है जो हेल्प करता है टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थाट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। यानी कि इससे क्या होता है, ये रिप्रेस करता है जो भी हमारे अंदर नेगेटिव थाट्स आते हैं, थ्रेटनिंग थाट्स आते हैं या डिस्टर्बिंग थाट्स आते हैं, ये उनको हेल्प करता है ताकि ये उनको कॉन्शियस में ना लाए। यानी कि वो चीज़ों की वजह से हमारा जो है हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ख़राब ना हो, और जिस चीज़ की वजह से, यही एक मैकेनिज़म है जिसकी वजह से हमारा जो है थ्रेटनिंग और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म, वो कॉन्शियस नहीं होते, वो अनकॉन्शियस रहते हैं। अनदर इज़ डिनायल। What is denial? Denial is another mechanism and it can be defined as denial involves blocking internal events from awareness. If some situation is just top, I mean it, if some situation is just too much to handle, just too much to handle, the person just refuses to experience it. अब ये denial का मतलब क्या है? As it itself says कि denial का मतलब है कि हम किसी चीज़ को इनकार करते हैं, मानते नहीं हैं। कोई भी चीज़ जब हम, ऐसी सिचुएशन होती है कोई चीज़ जो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं और फिर उस चीज़ को वी जस्ट रिफ्यूज़ टू एक्सपीरियंस इट, हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं ये कर सकते, बट वी डोंट से, वहाँ पे ईगो आता है, यानी कि वी से, वी डोंट से दैट वी डोंट नो इट और वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी जस्ट सिंपली रिफ्यूजेस, वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट। अनदर इज़ प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूटिंग देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है
It involves individuals attributing their own unacceptable thoughts, feelings and motives to another person. यानी कि जो चीज़ें वो खुद नहीं खुद सोचते हैं नहीं कर सकते हैं और वो सोचते हैं कि वो वही चीज़ें थोपते हैं दूसरों पे, यानी कि देयर ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या मोटिव्स टू द अनदर पर्सन. ये होता है प्रोजेक्शन. उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट. ये भी एक मेंटल मैकेनिज्म है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कोट एन एग्जाम्पल हेयर. अगर कोई बॉस है, अगर कोई एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस से ऑफिस में कुछ उसको प्रॉब्लम होती है या फिर ऑफिस में झगड़ा होता है किसी से भी, हम बॉस से ही लेंगे, बॉस से झगड़ा होता है, देन ही कम टू हिज होम और गुस्से में आकर अपने किसी भी चीज़ को लात मारता है या गुस्सा उस चीज़ पे निकालता है जो उसके सामने आएगी घर पे, अपनी चीज़ों पे गुस्सा निकालता है. लेकिन उस टाइम पे अपने बॉस या कुलीग को कुछ नहीं बोल पाता है. दैट मीन्स उस टाइम पे वो सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट्स पे अपना गुस्सा निकालता है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म. उसके बाद आता है रिग्रेशन. दिस इज़ अ मोमेंट बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज़ फेस्ड विद स्ट्रेस. अब रिग्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिस साइकोलॉजी में जब एक इंसान स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा होता है एंड उस टाइम पे उसको किस तरह से चलना है, वो कैसे मैकेनिज्म, उसका मेंटल मैकेनिज्म कैसे उसको हेल्प करता है उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए. अनदर इज़ सब्लिमेशन. नाउ व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्लिमेशन? इट इज़ दैट सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे. वैसे सब्लिमेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ रादर वी कैन से इट इज़ सम हाउ सेम, बट इसमें हम अगर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी, वो घर आके वो इंसान कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ देता है या गुस्सा उस पर निकालता है, लेकिन दैट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. बट सब्लिमेशन में क्या होता है, इंसान किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी गुस्से को डिस्प्लेस करता है, तो वो उसमें क्या करता है, वो उसका मीन्स जो वो वैसे गुस्सा निकालेगा विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी अपना जो गुस्सा है किसी ऐसी चीज़ पे निकालेगा जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा एज दैट वाज इन डिस्प्लेसमेंट. लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं है, वो अपना गुस्सा, अपना सब्स्टिट्यूट, अपना गुस्सा किसी भी सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट को लेकर निकाल सकता है, लेकिन इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे. So these were some of the mechanisms which we can say that these are some of the mental mechanism and their description was as I told you. Now mental mechanism, it helps us to protect the ego. It helps us to collectively help an individual to elevate internal and external conflicts and tensions. ये इस इन चीज़ों की वजह से, इन mechanisms की वजह से हमारा जो mental balance है, mental health है, वो ठीक रहता है, क्योंकि इन mechanisms की वजह से हमें पता चलता है कि हमें कब अपना इड, ईगो और वी कैन से सुपर ईगो, ये जो तीन लेयर्स है माइंड के, इसके इन चीज मैकेनिज्म की वजह से पता चलता है. देन व्हेन वी हैव टू यूज दीज दीज लेयर्स एंड व्हेन वी डोंट हैव टू यूज दीज मैकेनिज्म. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.